हेलो हाय नमस्ते। तो आ गए आप सब। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं कार फोर सेल्स सिमुलेटर। और जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने पिछले वाली वीडियो में 45 डे चैलेंज को स्टार्ट किया था, और 45 डे चैलेंज का ये हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन आप सबको याद होगा कि हमारा कितना दर्दनाक गया था। स्टार्टअप के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $9,000 थे। मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने लोहा बेचा, मैंने गाड़ियों से ड्रैग रेसेस की, मतलब सस्ती सस्ती गाड़ियाँ बेच के मैंने एक चैलेंज लिया कि आज के आज मुझे $1,000,000 कम्प्लीट करना है। और मैंने पिछले वाली वीडियो में मैंने उसको कम्प्लीट भी कर दिया। तो अब थोड़ा अमीर हो गए, हमारे पास $18,00,000 हो चुके हैं। तो चलो आज हम दोबारा से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आपका टाइम आपके लिए कितना ज़्यादा कीमती है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कार मार्केट, और मुझे दिखी एक मैकलारेन। हालांकि हमारे पास $18,00,000 है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं इससे। ये 16,71,000 के आसपास है। एक लैम्बोर्गिनी भी है, मैं ना बार्गेनिंग स्किल को थोड़ा अनलॉक कर लेता हूँ। 600 XP है, इसको किया अनलॉक। अब थोड़ा मतलब बार्गेनिंग करने में थोड़ा ना वो मतलब ज़्यादा मैं बार्गेनिंग कर पाऊँगा। तो ये दूसरी वाली मैकलारेन है मेरे पास, 16,69,000, मतलब ये थोड़ी सस्ती मिल रही है ना। तो एक काम करते, इसको कितना बोले, इसको 12,50,000 बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही गाड़ी खरीदने का भी पैसा है। तो 12,50,000 इसको बोले हैं, देखते हैं। नहीं यार, ये 14,50,000 से नीचे नहीं आ रहा। एक काम करते, ले लिए, छोड़ो। हमारे पास बचे अब $2,34,000 के आसपास। अब इसको लेके आते हैं शोरूम में। मैं काम करता हूँ, मैं ना पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करवा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा मतलब अच्छा दिखता है, और हम इसको रेसिंग के लिए भी लेके जाने वाले हैं। तो फटाक से पहले इसको लगाते हैं अच्छी जगह पे। और रेड कलर वैसे मेरे ख्याल से सही है। मुझे ना भाई साहब 50% डैमेज है, मैं रिपेयर नहीं करवाने वाला, छोड़ो, वो कस्टमर अपना जाने। मेरा काम है बस व्हील को थोड़ा रेसिंग किट लगवा देना और थोड़े अच्छे कलर कर देना, जिससे बाहर से गाड़ी दिखने में अच्छी लगे। गाड़ी को अगर बेचना है ना, तो गाड़ी बाहर से जितनी अच्छी दिखेगी ना, कस्टमर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और भाई साहब देखो यार, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। मैं ना एक मिनट आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। भाई साहब, ये मैकलारेन हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको लेकर चलते हैं ड्रैग रेस के लिए, क्योंकि हमारे पास ड्रैग रेस का ऑप्शन है, जिससे हम थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। और गाड़ियों को भी मैं बेच सकता हूँ, लेकिन मेरा ना थोड़ा मन है कि मैं थोड़ा ड्रैग रेस करूँ। दो चार ड्रैग रेस करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने शोरूम को भी इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर ये गाड़ी हमारी ट्रक के ऊपर चढ़ गई है, और 80,000 की वेट है। मैं काम करता हूँ, मैं ना पूरा 80,000 की वेट लगा देता हूँ। मुझे भरोसा है कि मैं मैकलारेन से हारूंगा तो नहीं। और यहाँ पे हम आ चुके हैं। भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने, गेम वालों, ये चल क्या रहा है आखिर। मतलब देखो यार, मैं मैकलारेन लेके आया, तो जरूरी थोड़ी है ना कि सीधा सीधा मैकलारेन से भिरा दोगे। चलो कोई नहीं यार, मैकलारेन वर्सेस मैकलारेन क्या होगा, होना क्या है भाई। बहुत फास्ट है मैकलारेन, सामने वाली मेरी वाली नहीं, बट कोई नहीं, ड्राइवर हम भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, जीतने तो नहीं देंगे। और हम जीत चुके हैं भाई, ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, 120 की स्पीड थी इसकी भी, मतलब ज़बरदस्त टक्कर दी है कह सकते हो। और ये दूसरी गाड़ी है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना थोड़ी ज़्यादा फास्ट है। मेरे ख्याल से मैंने जब इसको ड्राइव मैंने किया था, तो ये मुझे थोड़ी सी फास्ट लगी, तो ये मेरे ख्याल से टक्कर दे सकती है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है भाई, सीधा सीधा एकदम भिरा देते यार, किसी से भी लो जाओ भिर जाओ यार। ये मैंने बोला था ना, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर देती है, लेकिन जहाँ चौथा गियर लगाओ फिर कोई उपाय नहीं है। और ये हमारी मैकलारेन दूसरा रेस जीत चुकी है, 80-80 हमारे पास टोटल $1,60,000 तो ऐसे ही हो गए। अभी हमारे पास पैसे वैसे हैं नहीं। देखो, अगर सस्ती गाड़ियों को अगर हम बेचना चाहें ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, और दिमाग का दही हो जाता है अलग। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ना महंगी महंगी गाड़ियों को परचेज करता हूँ और उसको बेचता हूँ, उससे डबल ट्रिपल फ़ायदा आता है, ठीक है ना। तो महंगी गाड़ियों को खरीदते हैं, उसके लिए थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए जो हम ड्रैग रेस से कमा सकते हैं। और यहाँ पर बातों ही बातों में मैं ये ड्रैग रेस भी जीत चुका हूँ, $80,000 फिर से आ गया। मुझे इस बार मैं कोई तगड़ी कार एक्सपेक्ट करता था, लेकिन नहीं, मैं बाहर आ गया, क्योंकि ज़्यादा ड्रैग रेस नहीं करना। फटाफट से इस कार को हम ना वो सेल पे लगाते हैं। हमारा शोरूम काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है यार, मैं सही बताऊँ ना, मैंने बहुत कुछ खोया है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, एक मोटिवेशन मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, शुरुआत करने से कभी डरना मत, क्योंकि अब कंडीशन चाहे कोई भी रहे, शुरुआत हमेशा करते रहना, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो, शुरुआत करने से डरना मत, क्योंकि, और मैं भी देखो, मैं भी नहीं डर रहा, क्योंकि मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि सिचुएशन चाहे कैसी भी रहे, अगर आपने स्टार्ट कर लिया ना, फिर बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। अब वो बात कितनी है, वो आप लोग अपना इसको सही कर देना। और ये मैम आई, ये मैंने कितना, मैंने 28,00,000 मैंने डाला था, ये 24 ये बोल रही है। मेरे ख्याल से मैं कितना दूँ, 28,60,900 करते हैं, बिक गई।
तो टोटल हमारे पास 41 लाख डॉलर हो चुके हैं। मैंने बोला था ना कि अगर महंगी गाड़ियों को अगर हम बेचते हैं ना, डबल प्रॉफिट आता है। चलो कार मार्केट चलते हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक आध दो और महंगी गाड़ियाँ लेकर आए। बुगाटी मिल जाए तब तो काफ़ी सही होगा। बुगाटी पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आता है मेरे ख्याल से। एक मिनट, एक लैम्बोर्गिनी, दो मैकलारेन। एक सेकेंड भाई साहब, एक लैम्बोर्गिनी, दो मैकलारेन, सुपरा भी आई है यार। मतलब कुछ भी कहो, देखो पैसे वैसे नहीं है ना, तो गाड़ी एकदम भर भर के आई है। लेकिन कोई नहीं, हम सारी गाड़ियों को ख़रीदेंगे। 12,50,000 मिल गई। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, मैंने ना वो स्किल मैंने अनलॉक करके रखा है, तो मिल जाएगी। पर देख रहे हो बार्गेनिंग स्किल, एक बार मैंने डाला और मिल गया। 11,80,900 डालते, मिल जाएगी, मिल गई। कुछ भी कहो यार, मैं ना मास्टर हो गया, बार्गेनिंग का मास्टर हो गया। ये 22 बोल रहा है, 17,90,000 बोलते हैं क्या? छोड़ो यार तुम, एक सेकेंड, मेरे पास 17 लाख रुपये है, ठीक है, और मैं उससे ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक काम करता हूँ, 17 लाख में फाइनल करो दोस्त। 17 लाख देते, इतने में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते, मिल गई। चलो फाइनली, जैसा मैंने बोला था, मैंने तीनों की तीनों गाड़ियाँ मैंने ले ली है। और देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $55 बचे हैं, लिटरली $55। अब इसको यहाँ पे भेज दीजिए, गाड़ी को टो करवा देते हैं। और मैं फटाफट से गाड़ी से मैं आ चुका हूँ शोरूम पे, और इसको पार्क करते अच्छे से। एक मिनट, देखो असली तरक्की ना इसको बोलते हैं, ठीक है, जो तरक्की होती है ना, तरक्की शब्द यहाँ पे एकदम सूट कर रहा है। हमारी डीलरशिप देखो इतनी छोटी है, ठीक है, लेकिन जान पहचान वाले लोग आ रहे हैं। एक काम करते हैं, हथौड़ा लेके चलते। ये क्रिमिनल है क्या? नहीं, ये ना अपना कस्टमर ही है, ठीक है, शायद गाड़ियाँ बेचने आए हैं। हथौड़े को रखते नीचे। भाई साहब आप थोड़ा वेट करो, ठीक है, मैं गाड़ियों को सेल पे लगा के आता हूँ। और ये हमारी दूसरी गाड़ियाँ, दूसरी गाड़ी मेरे शोरूम की मैकलारेन, इसको यहाँ पे कर दिए पार्क। और ये हमारी लैम्बोर्गिनी, एक ऊंची छलांग के साथ मैं यहाँ पे इस पार आ गया हूँ। लैम्बोर्गिनी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मुझे लग रही है, ठीक है ना, एक्चुअल में फास्ट है। और इसको यहाँ पे लगाते हैं, टक्कर होगी बहुत गंदी वाली। $55, लिटरली $55 मेरे पास है। अब थोड़ा प्रॉफिट आएगा, देखो मैं 12 लाख की लाया था, मैंने इसको 32,50,000 की मैंने डाल दी है, ठीक है, कम से कम 28 तक तो बिक जानी चाहिए। और इसको 29 की लगा देता हूँ। 11 की लाया था मैं इसको, इस मैकलारेन को मैं 17 की लाया था, इसको कितने का लगाऊँ, 29,80,000 की मैं डाल देता हूँ। अब देखना, मेरे पास अभी $55 है, ठीक है, देख रहे हो कस्टमर, देख रहे हो। और देखो मैं इसको 11 की लाया था, 26 दे रही है, दोने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आया। अब ये 28 की लेके जाएगी, 28 की ले जाओ दीदी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बिक गई। देखो सीधा सीधा 28 लाख मेरे पास हो गए। बिजनेस माइंडेड कुछ भी कहो, बिजनेस माइंडेड तो हूँ मैं, डबल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला इसमें। 32,50,000 बोलते हैं, बिक गई। मतलब 11 लाख की लाया था, 32 लाख में बेच दी मैंने, देख रहे हो, ट्रिपल फ़ायदा, तीन गुना फ़ायदा। और इसको 32 की नहीं, इसको 12 की लाए थे, 32 बोल रहे हैं, बट उतने में बात बनेगी नहीं। कितना करे, एक काम करते हैं, हमने 30 करते हैं, 30,50,000, इतने की तो ले जानी चाहिए। कितना बोल रहा है ये, कि 23 से ऊपर नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, मैम से पूछते हैं, मैम कितने की? 22 सर जी, आप 23 दे रहे हो, ठीक है ना, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना एक लास्ट लगाता हूँ, 29,50,800, ये भी ज़्यादा है। चलो यार फाइनली मिल गई। अब ये सर जी आए थे गाड़ी से, हैं यार वो लेट हो गए, ठीक है ना, वो चले गए, दूसरा कस्टमर अपना गाड़ी बेचने आया है। मैं ज़रा बात करके देखता हूँ कितने की है। देख रहे हो शोरूम ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये हमारा इम्प्रूव हो गया है। ऑडी है 1,34,000, मैं 95,800 दूंगा, इतने की मिल जानी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या 1,34,000, मतलब $1 भी कम नहीं करना। एक काम करो, 1,05,000, नहीं 1,10,000, अब तो दे दो यार, यार तुम जाओ यार जाओ। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना मार्केट से मैं इसको ले आता हूँ, मैं मार्केट से ना मैं 80 के ले आऊँगा, ठीक है। और भाई यार बहुत ही ज़्यादा, पता है ये कम करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये मैं अंदर क्यों पैक हो गया यार, मुझे बाहर जाना है। और इसको करते लॉक, क्योंकि आज का तो हमारा ये काम पूरा हो गया, डे 2 हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो चलो ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। हमें 100 मिलियन डॉलर का टारगेट कंप्लीट करना है, वो भी 45 दिन के अंदर में, और आज ही हमारे पास 83 लाख रुपए हो चुके हैं। तो चलो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।